नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सल्यूट टू फार्मर चॉइस चैनल पर। किसानों की पसंद, किसानों के काम को, किसानों के हौसले को हमारा सलाम है। आज की विजिट भाई एक डेयरी फार्म के ऊपर है। भाई कितनी गाय रखते हैं, कैसे उनको फीड प्लान क्या रहता है डेली का, और कितना दूध निकालते हैं, और हाईएस्ट दूध की मिल्किंग गाय कितनी है, ये सभी जानकारी भाई को भाई के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी वीडियो के माध्यम से। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जो भी काम की डेयरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस वीडियो में कवर की जाएंगी। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब, अपना नाम बता दो और एड्रेस बता दो एक बार, थोड़ी आवाज ऊंची रखना। मेरा नाम संजय कुमार है जी, गाँव मापलवास है जी। तो भाई साहब, अपना डेयरी फार्म कितना साल पुराना है? ये 2015 में बनाया था। 2015 में बनाया था, मतलब तकरीबन 15 और 9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। तो शुरुआत करी तो उस टाइम पे कितने पशु थे अपने पास? शुरुआत में हम ले आए थे 8 पशु। 8 पशु, मतलब बाहर से खरीद के लेके आए थे? हाँ, बाहर से खरीद। गाय लेके आए थे? भैंस नहीं, गाय थी। गाय कौन सी, नस्ल कौन सी थी? एचएफ की। शुरुआत से आपने एचएफ पे काम किया है? एचएफ पे। तो अभी कितने हैं फिलहाल टोटल पशु? मेरे पास 18 पशु। 18 पशु, और दूध कितने दे रहे हैं? 11 पशु दे रहे हैं। 11 पशु दे रहे हैं। तो एक दिन का प्रोडक्शन कितना हो जाए दूध का, मतलब दूध कितना हो जाए एक दिन का? 2 क्विंटल प्लस हो जाए। 2 क्विंटल प्लस, 210 किलो। और किस रेट पे सेल हो भाई फिलहाल? 32-33। तो इसका रेट जैसे पहले ज्यादा कम बत्ती होता रहता है कि इससे पहले ज्यादा था या कम था? ज्यादा था। कितना था? गर्मियों में 39-40 रुपए बिकता, 39-40 रुपए बिकता था। और अभी मतलब डाउन चल रहा है सर्दी के कारण। हाँ, कितने दिन से डाउन चल रहा है भाई? ये हो गए 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने। तो ये मतलब प्रत्येक साल का ही सिस्टम होता है कि भाई सर्दी के अंदर दूध का रेट डाउन आना, या फिर अब की बार हुआ है कुछ ऐसा? अब की बार ज्यादा हुआ है। अब की बार ज्यादा हुआ है, तो इसके कारण मतलब डेयरी फार्म के ऊपर किसान साथियों को थोड़ा सा लॉस का मतलब माहौल है? लॉस तो पूरा ही हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। हाँ। जैसे भाई 2 क्विंटल दूध है तो 8 रुपए के लेके चले, 8-2 16 रुपए एक दिन का हो गया। हाँ। यानी कि 48-40 हजार रुपए एक महीने का नुकसान हो गया आपका। बिल्कुल, निखरता चला जा, निखरता चला जा। तो जैसे आपका 2 क्विंटल अगर दूध लेके चले एक दिन का, तो 35-33 रुपए भी लेके चले अपने, तो 33 के हिसाब से 7.5-8 हजार रुपए की एक दिन की बिलिंग होगी। नहीं, 6600-6700। 6600-6700 होगी। तो अगर महीने की बात करेंगे तो महीने का कितना का बिल बन जाए भाई? 1.90 के लगभग। तो इसमें खर्चा कितना का जाए? जैसे फीड का हो गया भाई, और कोई जैसे भी और जो भी ट्रम खिलाते हैं आप, जैसे फीड हो गया, खड़ हो गया, या फिर सुखा हो गया, इनका अगर खर्चा का टेबना है तो कितना खर्च हो जाए इसमें? जैसे इसमें 60-65% खर्च हो जाए भाई साहब। 60-65% खर्चा हो जाए। तो इसमें मतलब बचत तकरीबन 35-40% लगा के चले। हाँ, तो इसमें जैसे कुछ डेयरी फार्म बताते हैं भाई 50% की बचत है, इस पर आपका कहना है कि भाई 50% बचत है या नहीं? नहीं देखो, मन तो मिली को नहीं आज तक कोई, मतलब 9 साल के एक्सपीरियंस में आपको 50% की बचत नहीं देखने? हाँ, देखो घर को सुखो चारो है या घर को अनाज उनूज गिर के 50% कट का है, अगर सारी चीज मोल खरीदा तो को नहीं आवा। हाँ, तो ये बात जैसे भाई ने जानकारी बढ़िया बताई, जो जैसे अगर घर का हमें फीड या दाना देकर हम दूध का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें 50% की बचत आ सकती है, अगर हम बाहर से लेके आएंगे तो उसके अंदर 50% का कोई चांस नहीं है भाई के अनुसार। मानना ये भाई की बात 100% राइट लगी भाई मुझे, कि अगर हम बाहर से खरीद के अगर जो भी दाना फीड जो भी डालेंगे तो उसमें 100% 50% से ऊपर बचत नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी, 60% का खर्चा हो जाएगा। तो भाई साहब अभी जैसे दूध अपने किसी प्लांट पर दे रहे हैं कि लोकल में सेल कर रहे हो? नहीं, प्लांट में दे रहे हैं। प्लांट पे दे रहे हैं, तो पेमेंट वो ऑनलाइन कर देते हैं या फिर? नहीं, खत्म आओ, खत्म आओ है, टाइम टू टाइम आ जाती है, टाइम टू टाइम। तो मतलब ये तो कोई रोड़ा नहीं है किसान साथियों के साथ की डेयरी फार्म में कि भाई पेमेंट अटक जाएगी? ना, बिल्कुल नहीं। तो भाई साहब जैसे अपने पशुओं का डाइट प्लान बता दो, जैसे भाई कितना चार्टे दूध के हिसाब से घेरते हैं, मतलब एक तकरीबन हाईएस्ट दूध वाली गाय कितनी है अपने पास, हाईएस्ट कितना दे रही है? 35-36 लीटर। तो उसकी डाइट प्लान क्या होगी आपके अनुसार कि भाई कितना चार्ट उसको सुबह और शाम मिला के डाल दें? भाई साहब मैं तो 13-14 लीटर का लगभग, 13-14 किलो। तो उसमें क्या क्या मात्रा रखते हैं आप, जैसे फीड हो गया उसके साथ, फीड के साथ क्या लेते हैं? उसमें ये चोरी है, सनराइज जी, बाड़ा से बनी है जी, और खड़े खड़े, और सर्दी सर्दियों में बाजरा का चून, बाजरा का चून। और ये फीड है सनराइज की, चूरी है ये? हाँ, चूरी, चूरी और खड़ ये काम में लेते हैं, चूरी खड़, बाजरा चून, बाजरा चून। तो बाजरा का चून जैसे चूरी और ये खड़ होगी, इसको तो भिगो के देते हैं, पका के देते हो आप? भिगो के, भिगो के, मतलब शाम को भिगोते हैं, सुबह और सुबह भिगोते हैं शाम को? हाँ। और बाजरा का चून का कैसे यूज करते हैं भाई? वो भी भिगो के 7-8 घंटे साथ ही भिगो देते, मतलब उसी में डाल देते हैं। तो इसे बाजरा का चून जैसे किसान साथियों पहली बार किसी भाई ने बताया कि बाजरे का चून, तो भाई साहब ऐसा थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को बता दो, बाजरे का चून का क्या फायदा?
भाई साहब बनते हैं सर्दियों में, मान ले पशु दूध भी बढ़िया निकाले और सर्दियों में बेस्ट रहे मेरे हिसाब से तो। हाँ, पशु की जैसे आपने वीडियो में देख पा रहे होंगे भाई के पशु हैं वो बॉडी वेट और सेहत के अनुसार बहुत ही बढ़िया हैं, तो ये जैसे फॉर्मूला इनका बहुत ही बढ़िया है भाई। तो कितनी मात्रा लेते हैं जैसे आप अपने थोड़ा अनुमान बता दो भाई, बाजरे का चून ले तो कितनी मात्रा में ले? 30-35% लो सर्दी सर्दी में। 30-35% मतलब अगर ये मान के चले अभी 10 किलो लेते हैं तो 3 किलो बाजरे का तून मिला लेते हैं और उसमें उसके साथ क्या डालते हैं आप, नमक या फिर कोई मिनरल मिक्सचर या कुछ ऐसा भी कुछ डालते हो? मिनरल मिक्सचर भी और नमक भी डालते हैं। नमक भी तो मिनरल मिक्सचर सर ये बताइए जैसे रात को ही उसे भिगोते टाइम डाल देते हैं उसको सुबह डालते हैं आप? डालते नहीं, मैं तो सूखे चारे पे डालता हूँ। सूखे चारे पे और गाय खा लेती हैं? नहीं, फिर ऊपर से वो गिरते हैं ना। अच्छा अच्छा, वो मिक्स हो जाता है। अच्छा, मिक्स हो जाता है मतलब आप पहले सूखे चारे पे मिनरल मिक्स डालते हैं उसके बाद चाट डाल देते हैं उसको? हाँ, एक एक चम्मच सभी में डाल दी ऊपर से चाट गिर। तो भाई साहब ये बताइए जैसे डाइट प्लान के अनुसार अगर किसी की भाई की 20-25 किलो की दूध की हो तो उसको कितनी डाइट देनी चाहिए आपके अनुसार? देखो 10 किलो फीट तो खाई कम से कम। 10 किलो फीट मतलब 20 किलो की दूध की है तो 10 किलो फीट? हाँ, 20-25 का लगभग है ना, तो 10 किलो फीट तो खाई, वेट भी कम को नहीं होगा, दूध भी बढ़िया दे जी। तो पीछे जैसे भाई साहब लंपी की बीमारी आई थी उस टाइम पे आपने कोई परेशानी का सामना आपने करना पड़ा हो या कोई पशु की जान माल की हानि हुई हो? नहीं, लंपी में आई थी, एक गाय मेरे भी हुई थी लेकिन वो रिकवर हो गई थी। रिकवर हो गई थी तो उसका उपचार आपने डॉक्टरों की सहायता से किया या घर पर करे? नहीं, डॉक्टरों की सहायता से। डॉक्टरों की सहायता से। तो और कोई जैसे नॉर्मली आप जैसे गाय ब्याती हैं उसके बाद इट में कितने दिनों के बाद आ जाती है आपकी अपनी गाय अपने फार्म पर? 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर। और प्रेग्नेंट आप AI करवाते हैं या फिर किसी बूल से करवाते हैं? नहीं, AI करवाते हैं। AI करवाते हैं तो उसमें जैसे देखो भाई साहब एक समस्या रहती है किसान साथियों के साथ कि कई पशुओं को हिट में लंबे समय तक रह जाती हैं जैसे 2 या 3 या 4 दिन, तो उसमें उसकी थोड़ी सी आप ये जानकारी बताओ उसको पहचान कैसे करें भाई 3-4 दिन रहेगी हमने टीका टिकवा दिया पहले दिन तो वो उस कई बार वो रिपीट की दिक्कत आ जाती है तो उसका कोई सोल्यूशन है अपने पास? लॉन्ग टाइम तक हिट में रहती हैं 3-4 दिन तो उसका कुछ सोल्यूशन बता सकते हो? देखो वह पशु 2-4 दिन लंबा हिट में भी रहा है तो मान लो अपन 2 AI टिकवा लें, कई बार 3 भी टिकवा लें। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो 2 टिकवाए तो वो किस डिफरेंस क्या रखें जैसे एक आज या फिर एक कल? हाँ, एक 24 घंटे बाद ऐसे ऐसे टिकवाए। हाँ जी। और बाकी जैसे ब्याने के बाद जैसे ड्राई पीरियड में जाती है तो उस टाइम पर आप कुछ दाना या फीड खिलाते हो अपने पशुओं को जो ड्राई पीरियड में? ट्रांजेक्शन फीड खिलाता हूं। अच्छा, ट्रांजेक्शन, उसका क्या फायदा रहता है? वो बढ़िया बताते हैं और रिजल्ट भी बढ़िया मिलता है उसको। बढ़िया मतलब बॉडी सेहत भी बढ़िया रहती है और अगले ब्याह में दूध भी ठीक रहते हैं। हाँ जी। और हरे चारे में आप क्या लेते हैं क्या लेते हैं अभी जैसे? हरे चारे में अब तो ये अब की बार तो मक्खन घास उगाया। अच्छा, मक्खन घास उगाया। हाँ, तो उसका जैसे अपने जई या जो होते हैं उससे बढ़िया रिजल्ट है? रिजल्ट बढ़िया है लेकिन उसकी हाइट कम जाती है तो काटने में ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा अच्छा। और सूखे चारे में आप क्या लेते हैं? सूखे चारे में अब सर्दियों में तो ये पराल है जी और फिर तूड़ा, बस तूड़ा, बस गेहूं का। गेहूं का। और जैसे सर ये बताइए जैसे दूध अपने हाथों से निकालते हैं मशीन मिल्किंग मशीन से? मशीन से तो उसमें मशीन किससे कारण जैसे कुछ किसान साथियों दिक्कत रहती है थनेला रोग का जाता है तो मशीन के अंदर ऐसा क्या पता चलता है कि भाई थनेला रोग है इसका, उसकी कुछ सोल्यूशन बताएंगे आपके कैसे पहचान करें भाई थनेला की मशीन से निकालते हैं तो? नहीं, थनेला ने तुम भाई साहब अपना जो अडरो है ना अलग से ही बेरो पार्ट जब वो एक साइड को सूज जा भारे हो जाए लटक टाइट हो जाए जैसे किसान थन दोवा है उस टाइम पर ही मालूम हो जाए। अच्छा, वो टाइट मिलेगा। हाँ, एक साइड से झुक जाएगा। हाँ, तो ये जैसे किसान साथी हो ये भाई ने जानकारी बताई थनेला रोग जब भी आता है तो वो इस साइड से टाइट हो जाएगा और उसको बाद वो एक साइड से झुक जाएगी। तो जैसे थनेला का फिर उपचार क्या करें अगर घरेलू उपचार करें या फिर डॉक्टरों की सलाह लें आपके अनुसार? नहीं, थनेला में तो डॉक्टर की सलाह ही लेते हैं। डॉक्टर की सलाह बढ़िया रहती है। बढ़िया जी। और जैसे सर डीवॉर्मिंग कितने दिनों में करवाते हैं आप अपने डेयरी फार्म पर गायों को? 3 महीने से। 3 महीने से एक बार। और डेली की डाइट प्लान में जैसे मिनरल मिक्सर के साथ कुछ घरेलू नुस्खा भी यूज करते हैं जैसे भाई कुछ बाजरे का चूना आपने बता दिया मिनरल मिक्सर हो गया इसके साथ ऐसा कोई डेली का उपयोग करते हो जिससे पशु की सेहत बढ़िया? कुछ और कुछ यूज नहीं करते? कुछ नहीं जी। और एक सर थोड़ी सी जानकारी और बता दो जैसे कोई भी किसान साथी डेयरी फार्म करता है तो उसको खेती के कितना फायदा होता है डेयरी फार्म से? नहीं, खेती में भी फायदा मिलता है अपने मान लो खेत में डालने के लिए खाद हो जाती है जी तो पैदावार खाद में बढ़ती है
और खेती के साथ साथ पशुपालन हो जाता है, दूसरा कोई धंधा है नहीं जो कर सकते हैं अपन। तो आपके अनुसार डेयरी फार्म का बिजनेस कैसा है किसान साथी अगर साथ में करें? देखो भाई साहब, मेरे हिसाब से तो इससे बढ़िया धंधा कोई है ही नहीं जी। देखो अपनी अपनी समझ होती है जी। 2015 में मैंने किया, तब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी जी। और आज भगवान की दया से बढ़िया दाल रोटी खा रहे हैं सिर्फ इन गायों की वजह से। वजह से तो सर, जैसे 2015 में करने के बाद और भी बाहर से खरीद के लाए, अपनी खुद की ब्रीड आपने? नहीं, फिर वो थी ना, वो बड़ी हो गई थी, उनको सेल कर दिया और उनकी बछड़ियां तैयार की, तैयार की और तो सेल नहीं की। अच्छा, और बाकी खरीद के नहीं लाए? नहीं, अपनी खुद की तैयार करी। हाँ, तो हिफर जो तैयार करते हैं आप, उसमें तकरीबन आपकी जो हिफर कोई बढ़िया टॉप की लकड़ी हो जिसमें पहले ब्यांत में ही 25-30 लीटर दूध निकाला, वैसी कोई हिफर तैयार करी आपने? नहीं, हिफर एक तैयार की थी उसने, ये मान लो पहले ब्यांत में 30-32 लीटर दूध निकाला था। 30-32? अभी अपने फार्म पर है वो? हाँ, फार्म पे है। उसके एक थन में दिक्कत हो गई थी, फिर वो थन खराब हो गया था उसका। जी, तो उसका कोई सोल्यूशन आपने किया डॉक्टरों की सहायता से किया? हाँ, डॉक्टर। तो अभी भी वो कितना दूध निकाल रही है? अब 3 थन में भी वो 32-33 लीटर दूध निकाल रही है। निकाल रही है। तो लास्ट और आखिरी सवाल भाई साहब ये है, जैसे कोई भी नौजवान साथी या कोई भी किसान साथी अगर डेयरी फार्म करना चाहे तो मिनिमम कितने पशु शुरुआत करे आपके अनुसार, और गाय लेके आए भैंस लेके आए? देखो मेरे हिसाब से तो गाय होनी चाहिए। गाय? हाँ। गाय भी जैसे कई है भाई, एचएफ होगी, जर्सी होगी, साहिवाल होगी, गिर होगी, तो कौन सी नस्ल डेयरी फार्म के लिए बढ़िया? अगर बिजनेस के तौर पे करें तो एचएफ ही होनी चाहिए। दूध का बिजनेस करें? हाँ जी। उसका क्या कारण है कि एचएफ बढ़िया, जर्सी भी भाई दूध अच्छा देती है, गिर भी, गिर का दूध जैसे ज्यादा हाई रेट पे सेल होता नहीं, है? वो अपने गाँव में गिर का हो चाहे जर्सी का हो चाहे एचएफ का हो, सेम रेट में, सेम रेट में निकलता है लगभग जी। तो इसका फिर एचएफ का क्या फायदा रहता है? एचएफ एक तो लंबा दूध देते हैं जी और ज्यादा दूध भी, दूध भी ज्यादा देते हैं जी। तो इसमें जैसे एक मेडिकल का खर्चा एचएफ के अंदर और गायों के बजाय ज्यादा बताते हैं आप, तो इस पर आपका क्या विचार है कि एचएफ गाय ज्यादा बीमार होती है कि नहीं? देखो देखभाल तो जर्सी में भी करनी पड़ती है, एचएफ में भी करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम इनका देखो मेहनत तो करनी पड़ती है। हाँ, काम से कोई वो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, मिनरल मिक्सर है जी, ये देते रहो, लगभग समस्या खत्म हो जाती है इससे ही जी। तो भाई साहब, संजय भाई साहब, आपने इतना टाइम दिया हमारे दर्शकों के लिए, इतनी बढ़िया जानकारी दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। और साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय जवान जय किसान दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। राम राम भाई।